students, I think this will be the last lecture of chapter 3, Atoms and Molecules of class 9, Science. So the last topic is remaining, that is atomic mass. So what do we mean by atomic mass? Atomic mass means the mass of an atom, simple, as the name suggests, atomic mass means mass of an atom. But how it was founded? डेल्टन टॉल के डेल्टन एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने बताया दैट ईच एंड एवरी एटम हैज ए मास, ईच एंड एवरी एटम हैज ए स्पेसिफिक मास. तो बहुत टाइम पहले उसको एक एज ए राउंड फिगर, होल नंबर माना गया था. फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U. द सिंबल, द यूनिट ऑफ द मास ऑफ एटम वॉज कंसिडर्ड एज U. U मीन्स यूनिफाइड मास. U मतलब क्या होता था बेटा? U इज इक्वल्स टू यूनिफाइड mass, unified mass. Besides U, the unit was taken AMU. It is known as atomic mass unit. AMU. Now it is taken as U, simplicity के लिए. Hydrogen has a mass of 1U, helium has a mass of 4U, lithium has a mass of 7U, beryllium has a mass of 9U, boron has a mass of 11U, carbon has a mass of 12U, carbon, nitrogen has a mass of 14U, oxygen has a mass of 16U, sodium has a mass of 23U, magnesium has 24U. So it means each and every atom has a specific mass. Why mass is not taken in gram or kilogram? Because atoms are too small to be seen by naked eye. तो उसको हम easily देख नहीं सकते. So and so the mass is taken in the U. तो बहुत टाइम तक ऐसा चला कि whole number. But after few times, few years, हमने ऐसा laboratory test करने के बाद ऐसा देखा that it was near to the mass. कि exactly lithium का mass 7 नहीं होता है. It is somewhat near to 7U. Clear? Then precisely कि अगर हम यहाँ पे distance में से कहते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है. मेरा घर कितना दूर है बेटा? My house is 10 किलोमीटर far away. बट कहां से? अहमदाबाद से 10 किलोमीटर है, बड़ौदा से 10 किलोमीटर है, सूरत से 10 किलोमीटर है, राजकोट से 10 किलोमीटर है, कि मैं जहां पे हूं वहां से 10 किलोमीटर है. देन ऑब्वियसली वी विल जनरली से दैट यहां से 10 किलोमीटर है. सो कोई भी चीज मेजर करने के लिए यू नीड टू हैव ए रेफरेंस पॉइंट. कि मेरा मास है 60 kg, देन 1 kg के लो हमने रेफरेंस रखा है कि 1 kg हमारे पास कोई ना कोई वेट होता है, उसे हम बोलते हैं, हाँ, दिस मच इज 1 kg, देन माय मास इज 60 kg. कि भाई उससे 60 टाइम्स ज्यादा है. समझ में आया? कि भाई हम कोई चीज को रेफरेंस में रखेंगे, देन एंड देन वी विल बी एबल टू मेजर समथिंग. फिर हमने रेफरेंस में रखा इस कार्बन को. किसको बेटा? कार्बन 12 मॉलिक्यूल को. सो कार्बन 12 जो एटम है ना, दिस एटम को हमने किस में रखा बेटा? रेफरेंस के लिए. और 12th के कार्बन का मास जितना भी था, कार्बन का मास अभी हम 12 गिन रहे हैं, लेकिन कार्बन का जितना भी मास है उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो जो चीज मिलेगी उसे हम बोलेंगे 1U. क्या बोलेंगे बेटा? 1U. कार्बन का जितना भी मास है, कौन से कार्बन का? कार्बन 12 का जितना भी मास है, देन डिवाइडेड बाय 12 एंड द अमाउंट वी गेट वी विल टेल इट एज ए 1U. समझ में आया? तो एक कार्बन के सामने 12 हाइड्रोजन हुआ करते थे. कितने? 12 हाइड्रोजन. एक कार्बन का जितना वजन था उसके सामने हाइड्रोजन कितने थे? 12. तो इसीलिए अगर एक कार्बन का 12 है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? H इज इक्वल टू 1U. तो सिमिलरली विथ रेफरेंस ऑफ कार्बन 12, एटम, हमने सभी एटम्स के मास निकाल लिए. एंड समहाउ वी हैव टू रिमेंबर ऑल द मास ऑफ दिस एटम्स. कि यहाँ पे इसके मास हम याद रह जाएंगे. मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रॉम लो टू हाई इसी तरीके से अरेंज किया है. क्लियर? तो एक बार सभी के मास लिख लो. ऑक्सीजन के बाद अगर हम देखें, देन दैट इज फ्लोरिन 19U, देन इट इज नियोन दैट इज 20U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, एल्यूमिनियम 27U, सिलिकॉन 28U, फॉस्फरस 31U, सल्फर 32U, आफ्टर सल्फर वी हैव क्लोरीन 35.5U,
Why 35.5.5 कैसे आया? That we will learn in the next chapter, chapter number 4, sulfur chlorine. Chlorine then we have argon, that is 40U. After argon we have potassium. Potassium has 39U. Calcium has 4040U. So we need to remember the mass of elements up to 1 to 20. ये 1, 2, 3. यहाँ से sodium निकाल देना. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And total, बहुत सारे, total we have 118 elements. 118 elements. तो इन सब के हमें अभी याद रखने की जरूरत नहीं है. But each and every element's mass is according to the carbon 12. किसके हिसाब से है? Carbon 12 as a reference. और carbon 12 का 12th part. The 12th part of a carbon 12 is equals to 1U. Is equals to 1U. The 12th part of carbon 12. कि carbon 12 का atom होता है, उसका जो 12th part होगा, that is equals to 1U. कि मेरा mass है 60 kilogram. मेरा mass है 60 kilogram, तो मेरे 60 equal pieces करो, काटो. आपको तो मजा आएगा मुझे काटने में. तो मेरे जो body में से 60 equal parts करो. 60 kg का अगर मैं हूं तो मेरे अगर 60 इक्वल पार्ट्स होंगे तो 1 पार्ट कितने का होगा? 1 kg. तो सिमिलरली कार्बन 12 है तो उसके 12 इक्वल पार्ट्स होंगे, देन दैट विल बी इक्वल टू 1U. समझ में आया? सो विद रेफरेंस टू इट, आपकी बुक में एक एग्जांपल भी बहुत ही बढ़िया दिया है, बहुत ही बढ़िया दिया है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वाटरमेलन ऑफ 12 kg. वाटरमेलन ऑफ 12 kg, देन अ फ्रूट सेलर डिवाइड्स द वाटरमेलन इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. वाटरमेलन का मास कितना है? 12 kg. और वो फ्रूट सेलर है, उसके पास कोई वेइंग मशीन नहीं है, उसके पास कोई वेट्स नहीं है. सो इट इज डिवाइडिंग द वाटरमेलन इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. देखो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप ऐसा मत करना कि 12 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग. मेरे भी पीसेस नहीं करोगे ना आप, उतने तो बुरे नहीं हो सकते हो, इतना मत कर देना. सो समहाउ वी आर टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन की सोचो ऐसा. सो इफ वी आर डिवाइडिंग द वाटरमेलन इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, then each part will weigh 1 kg. तो अगर कोई उसे खरीदने आता है कि 3 kg संतरा दो, कितने? 3 kg संतरा. तो एक तरफ वो 3 pieces of watermelon रखेगा, because 1 piece is equal to 1 kg. तो 3 pieces of watermelon, और दूसरी तरफ कितने संतरे हुए उतने दे देगा. तो similarly we have also taken carbon 12 as a reference, और बाकी सबके मास हमने निकाल लिए, बाकी सब मास हमने निकाल लिए. क्लियर? विथ रेफरेंस टू कार्बन 12, उतना याद रखना है. So now we will start the solution of in-text and exercise. तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ज्यादातर चीजें तो हमारी क्या हो गई है? Exclude हो गई है according to the GSEB 2020 syllabus. तो हमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी इन chapter 3, क्योंकि हमारे जो major topics है, जो थोड़े बहुत hard लगेंगे, जो पहली बार आप पढ़ने वाले थे, वही चीजें exclude हो गई है. तो जिनको मजा आ रहा है मजे मत लेना बेटा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट थी और वो एक्सक्लूड हो गई है. तो अभी फिलहाल तो हम नहीं करेंगे, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम उसे कर लेंगे. क्लियर? नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 35, द इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 33 एंड 34 आर एक्सक्लूडेड. सो उसमें हमें कुछ नहीं करना है. नाउ पेज नंबर 35, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट. अभी हमने किया, द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12. द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ ए कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 का जो 12th पार्ट होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज रिटन एज U. इट इज रिटन एज U, यूनिफाइड मास. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी ए एटम. हम एटम्स को क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज दे आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई. बिकॉज द साइज ऑफ एटम्स इज जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, एंड साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें, देन दैट इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर, एंड ह्यूमन आई कैन सी द थिंग्स अप टू द 10,000 नैनोमीटर. 10,000 नैनोमीटर तक की हम चीजें देख सकते हैं, बट द एटम्स आर जनरली साइज इन द 1 to 100 नैनोमीटर. चलो ज्यादा से ज्यादा 1 to 100 नैनोमीटर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39. राइट डाउन द फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट सोडियम ऑक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? जल्दी से लिखो बेटा भाई. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम मींस Na, ऑक्सीजन मींस O. सोडियम एज ए चार्ज ऑफ +1, ऑक्सीजन एज ए चार्ज ऑक्साइड एज ए चार्ज ऑफ -2. द फॉर्मूला विल बी
Na2O, क्या बात क्या बात क्या बात। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हैज ए सिंबल ऑफ Al, क्लोराइड हैज ए सिंबल ऑफ Cl, Al प्लस 3 Cl माइनस 1, अगर इसे हम करेंगे क्रॉस तो AlCl3, दिस 3 विल गो टू द Cl, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सो AlCl3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ द थर्ड वन, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड, Na एंड S, Na प्लस 1 S माइनस 2, सो दैट इज Na2S, सोडियम सल्फाइड, क्विक एंड इजी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम इज Mg प्लस 2, हाइड्रोक्साइड इज द फॉर्मूला ऑफ OH माइनस 1, क्रॉस करेंगे देन MgOH ट्वाइस, बट एज इट इज अ पॉलीएटोमिक आयन राइट इट इन टू द ब्रैकेट एंड देन 2 एंड वी विल स्पीक एज MgOH ट्वाइस एंड इट इज स्पीकन एज MgOH ट्वाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन अगर हम देखें तो दैट इज Al2SO4 थ्राइज, Al2SO4 थ्राइज, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सेकेंड वन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड वन पोटेशियम, थर्ड वन पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। नाउ द फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज KNO3, K मीन्स पोटेशियम, NO3 मीन्स नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ द फिफ्थ वन CaCO3, काको थ्री, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca4 कैल्शियम, CO3 4 कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, What is meant by the term chemical formula? See, these are the chemical formulas and what do we mean by chemical formula? It is a symbolical representation of any compound. है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना भी आपको। It is a symbolical representation of any compound. The compound is sodium sulfide, but it can be symbolically represented in its chemical formula. That is Na2SO4. Na is a symbol for sodium. S is a formula of symbol of sulfide. So, any compound can be represented in the symbolical form in a chemical formula. And what information do we get from chemical formula? From chemical formula, we can get information such as number of atoms. कितने atoms है total? दो sodium के एक sulfur का. So, there are three atoms. So, number of atoms as well as type of atoms. Three atoms. Two of sodium, one of sulfur. So we can get number and types of atoms. So we can get number and types of atom. So now moving on to the question number 4. How many atoms are present in H2S? How many atoms are present in H2S molecule? So agar yahan pe hum dekhe H2S, there are 2 hydrogen, 1 sulfur. 2 hydrogen, 1 sulfur. So total there are 3 atoms. And how many atoms are present in the PO4-3 ion? So PO4-3. So 1P, 4O, P ke niche kuch nahi likha, so it will be 1. Yahan pe bhi H2, S ke niche nahi likha, to 1. 2 hydrogen, 1 sulfur. Similarly, 1 phosphorus, 4 oxygen. So there will be 5 atoms. 5 atoms. So bahut hi simple hai, utna to aapko samajh mein aane chahiye. PO4 ion mein kitne atoms hai beta? 5. Now moving on to the क्वेश्चन नंबर 40, लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 फ्रॉम सॉरी पेज नंबर 40 क्वेश्चंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, क्वेश्चन 1-2 सिमिलरली द इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 42 आर आल्सो एक्सक्लूडेड। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आर एक्सक्लूडेड। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉलीएटोमिक आयंस, व्हाट आर पॉलीएटोमिक आयंस, आयंस मीन्स it is a charged atom. If any atom is charged, then it is known as ion. Polyatomic ions. If there is a group of atom, more than one atom, and they are charged, then it is known as polyatomic ions. If it is there is a group of atom
which is charged, having a charge or possessing a charge or carrying a charge, whatever you say. But if there are more than one atom carrying a charge, then it is known as ions. For example, this is a monoatomic ion, but this is a polyatomic ion. This is a polyatomic ion because it has more than one. Similarly, polyatomic ion. Similarly, polyatomic ion. सिमिलरली यहाँ पे तो सारे मोनोएटोमिक है. इफ देर आर वन मोर देन वन एटम इन द आयन देन इट इज नोन एज पॉलीएटोमिक आयन्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो OH माइनस SO4 माइनस 2 PO4 माइनस 2 CO3 माइनस 2 NO3 माइनस 2 SO4 इज अगेन रिपीटेड NH4 प्लस अमोनियम. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएटोमिक आयन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज. राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग. Write it on your own. Magnesium chloride. What is the formula for the magnesium chloride? MgCl2. जल्दी से लिखो भाई. Formula for magnesium chloride मैं यहाँ पे board में नहीं लिखने वाला हूँ, तो आपको खुद से लिखना है. Magnesium chloride is a formula of MgCl2. Then is calcium oxide. The formula for the calcium oxide is CaO. The formula for the calcium oxide is CaO. Why? Calcium has a charge of plus 2, oxygen has a charge of minus 2. तो कुछ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है. So directly it will be CaO. Magnesium chloride. चलो कर ही देते हैं. Mg plus 2, Cl minus 1. So that is MgCl2. Ca plus 2, O minus 2. Same charge. तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. CaO. Copper nitrate. कॉपर नाइट्रेट क्रॉस करेंगे तो CuNO3 ट्वाइस, क्योंकि टू यहां पे जाएगा क्रॉस करेंगे तो. देन इट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड अभी हमने किया बेटा, जल्दी से करो. एल्यूमिनियम क्लोराइड. सो एल्यूमिनियम हैज ए चार्ज ऑफ Al प्लस 3 Cl माइनस 1. सो द फॉर्मूला विल बी AlCl 3. Now the last one is calcium carbonate. Calcium has a valency of plus 2, carbonate has a valency of minus 2. Plus 2, minus 2, same. So कुछ cross करने की जरूरत नहीं है, directly लिख दो. CaCO3. 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 अभी हमने यहाँ पे किया था तब. Caco3. That is the formula of calcium carbonate. Calcium carbonate. Now moving on to the question number 5. Give the name of elements present in the following compound. Name of elements. यहाँ पे है हमारे पास क्विक लाइम. देखो ऐसे जो नाम आते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे. क्विक लाइम हैज अ फॉर्मूला ऑफ CaO. कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम. इट हैज टू एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. सो इट हैज टू एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट है? इट हैज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. देखो हमें एलिमेंट्स पूछे तो हमें ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा. अगर हमें आयंस पूछे होते, इफ आयंस आर आस्क्ड दैट व्हिच आयंस आर प्रेजेंट इन क्विक लाइम, देन इट इज कैल्शियम एंड ओ4 ऑक्साइड. आयंस को हम ऑक्सीजन नहीं बोलते, आयंस होता है तो ऑक्साइड बोलते हैं. अगर एलिमेंट पूछा है देन ओ4 ऑक्सीजन. क्लियर? नाउ अनदर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. हाइड्रोजन ब्रोमाइड. सो हियर इट इज अ फॉर्मूला ऑफ HBr. HBr में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? जैसे यहां पे लिखा है वैसे, हाइड्रोजन एंड Br. फॉर नॉट ब्रोमाइड, इट इज कंसिडर्ड एज ब्रोमीन, ब्रोमाइन. क्लियर? तो यहां पे आयन होता है तो ब्रोमाइड बोलेंगे, बट एलिमेंट पूछा है तो ब्रोमीन. क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर. फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज NaH CO3. NaH CO3. देखो क्या है, Na, H, C एंड O. नंबर ऑफ एटम्स गिनने की जरूरत नहीं, सिर्फ एलिमेंट्स पूछा है. तो यहां पे क्या क्या होगा? Na4 सोडियम, H4 हाइड्रोजन, देन C4 कार्बन एंड O4 ऑक्सीजन. क्लियर? सो दिस आर द फोर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला. क्लियर? नाउ पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट. फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट, के टू
SO4. So here there are KSO. K means potassium, S means sulfur, and O means oxygen. O means oxygen. Clear? Now moving on to the question number 6. कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस. वो करना नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं. क्लियर? एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं ताकि अगर कुछ हेल्पफुल हो जाए तो अगर हमारा काम हो जाए. बहुत ही ईजी है, हमने सीखा हुआ भी है. बट दिस टॉपिक इज बीन एक्सक्लूडेड इन GSEB 2020. लेकिन यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. दैट इज द फॉर्मूला इज नेम इज इथाइन. तो हमें फॉर्मूला के हिसाब से चलना है. C2H2. अगर कार्बन है तो उसका मास कितना है? 12. हाइड्रोजन है, उसका मास कितना है? 1U. क्लियर? सो हियर देयर आर टू कार्बन. तो 2 × कार्बन + 2 × हाइड्रोजन. तो अगर हमें हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 का हमारे पूरे क्लास का हमें वेट ढूंढना है. आई वॉन्ट टू फाइंड द मास ऑफ होल क्लास. तो हर एक बच्चे का मास अलग अलग रहेगा, तो मैं सबका मास निकालूंगा और उन सबके मास को टोटल ऐड कर दूंगा. तो यहां पे भी हमारे पास टोटल 4 एटम है, 2 कार्बन के 2 हाइड्रोजन के. तो पहले 2 कार्बन का मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा वो ढूंढेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे. तो यहां पे 2 × C, सो दैट विल बी 2 × कार्बन एज ए मास ऑफ 12 प्लस 2 × हाइड्रोजन एज ए मास ऑफ 1. सो 12 × 2 = 24 प्लस 2 × 1 = 2, that is 26U. That is 26U. Clear? समझ में आया? Now, sulfur molecule. Sulfur, I want to find the sulfur molecule. Sulfur 8. कितने sulfur है बेटा? 8. एक sulfur का मास होता है 32. अभी मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद है तो. So, 8 × S. So 8 × S, 8S का मास कितना है? 32. Because there are 8 sulfur. So 8 × S. So 8 × 32, that will be 246. Sorry, 256. So that will be 256U. 256U. Because 32 × 8. So that will be 256U. Clear? Now phosphorus molecule P4. फॉस्फरस का मॉलिक्यूल है. किसका बेटा? फॉस्फरस का. सो दैट इज P4. सो दैट विल बी 4 × P. पी का मास होता है 31. कितना होता है बेटा? 31. सो 31 × 4 = 124U. क्लियर? नाउ मास ऑफ HCl. मास ऑफ HCl. HCl दैट इज H+Cl. Mass of H is 1, mass of Cl is 35.5, so that will be 36.5U. That will be 36.5U. Now last and final, that is nitric acid. Nitric acid has a formula of HNO3, so that will be H+N+3O. Mass of hydrogen is 1, mass of nitrogen is 14, and mass of oxygen is 16. So here 1 + 14, that is 15, plus 16 3 is 48. So 48 + 15, that is 63U. तो आप इस तरीके से मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हैं. अगर कोई एटम का मास होता है तो उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, बट अगर कोई मॉलिक्यूल का मास होता है तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. क्लियर? क्या बोलते बेटा? मॉलिक्यूलर मास. सो हियर द होल चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू द GSEB 2020 सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड. तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज भी हो गई, सॉल्यूशन भी हो गया. क्लास वर्क करो, अच्छे से करो. हमने केमिकल फॉर्मूलाज लिखे थे, उसमें 20 पॉजिटिव आयंस वाला जब लेक्चर लिया था तब 20 पॉजिटिव आयंस थे एंड 15 नेगेटिव आयंस थे. देयर वेर और टेबल में कितने थे? 20 पॉजिटिव आयंस एंड 15 नेगेटिव आयंस. सो 20 × 15 अगर हम करेंगे सो दैट विल बी 300 कंपाउंड्स, क्योंकि हर एक पॉजिटिव आयन 15 कंपाउंड्स बनाएगा. सो 300 कंपाउंड्स बनने चाहिए. जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनको अभी बनाने हैं, तो हो सके उतना जल्दी 300 कंपाउंड्स आपको बना देने. अगर आप कंपाउंड्स केमिकल फॉर्मूलाज सही से लिखना सीखोगे देन एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री.
थैंक यू बेटा।